जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज जो चर्चा करूंगा वो है कि जैक बोर्ड से रिलेटेड क्या नोटिफिकेशन आया है, रिजल्ट के बारे में एनालिसिस करूंगा कि आखिर रिजल्ट कब तक होने की संभावना है। इससे पहले आपका जैक बोर्ड से रिलेटेड रिजल्ट को लेकर विभिन्न अखबारों में आप सुने होंगे कि 22 तारीख को रिजल्ट होने वाला है, 25 तारीख को रिजल्ट होने वाला है, लेकिन इनके बीच में एक नया मोड़ आपके सामने आ रहा है कि जिन बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हो पाया था उन बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपका रिजल्ट पब्लिश करना कैसे संभव है। तो देखिए, आपका चर्चा करूंगा मैं कि रिजल्ट कब तक होने की संभावना है ना। इनके आप अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड, प्रैक्टिकल एग्जाम कब से कब तक चलेगा है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम है ना, इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा करता हूँ रिजल्ट। अभी हाल ही में 2 दिन पहले टाइम्स नाउ अखबार में ये छपता है कि 25 तारीख को रिजल्ट होने की संभावना है। दैनिक जागरण में भी छपता है कि बहुत जल्द होगा आपका रिजल्ट जारी है ना, सारा कुछ तैयारी कर लिया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो है अब तक नहीं हो पाया है, तो जब तक प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा तब तक रिजल्ट जारी करना भी संभव नहीं है। मैं हमेशा देर आता हूँ लेकिन दुरुस्त आता हूँ और सटीक विश्लेषण साथ में लेकर आता हूँ, क्योंकि आपको बहुत सारा YouTube चैनल में जो है मिल जाएगा कि रिजल्ट आज जारी होगा, तो रिजल्ट कल जारी होगा, तो रिजल्ट 25 तारीख को जारी होगा। यानी आपका दैनिक जागरण को देख लिया, आपका वीडियो बना दिया, आपका प्रभात खबर देख लिया, वीडियो बना दिया। तो इस तरह बच्चों को जो है ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जब तक आपका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जैक बोर्ड के द्वारा, तब तक आप कन्फ्यूज में ना रहें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपका फोन करके पूछता है कि सर रिजल्ट कब होगा, क्या मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट एक साथ होगा या नहीं। तो इस तरह के सवालों से आप कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए किसी भी तरह के आपका इधर उधर के चीज़ों में विश्वास ना करें जब तक कि आप जैक बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना देखें। तो आप समझ गए होंगे कि रिजल्ट अभी जारी होने की कोई संभावना नहीं है। अब जहाँ तक प्रैक्टिकल एग्जाम का बात है कि बहुत सारे बच्चे का प्रैक्टिकल एग्जाम होना था, प्रैक्टिकल एग्जाम बाकी था आपका 6 अप्रैल, आपका 6 अप्रैल 2021 से आपका 26 अप्रैल 2021 तक प्रैक्टिकल होना था। यानी आपका 6 अप्रैल से स्टार्ट होकर 26 अप्रैल तक प्रैक्टिकल का एग्जाम होना था, लेकिन अचानक बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपका 16 अप्रैल को जो है प्रैक्टिकल एग्जाम होकर बंद करना पड़ा स्कूल एवं महाविद्यालयों में, यानी कॉलेज और स्कूल्स को बंद करना पड़ा था। 16 अप्रैल को आपका लास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम हो पाया था कंडक्ट, इनके बाद जो है नहीं हो पाया था। आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से परमिशन लेना होता है, लेकिन अब तक परमिशन नहीं मिलने के कारण आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया था। लेकिन अब आपका आपदा प्रबंधन विभाग से भी आपका परमिशन मिल गया है जैक बोर्ड को। अब जैक बोर्ड के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है कि 23 जुलाई से लेकर आपका 26 जुलाई 2021 तक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराना है। यानी जैक बोर्ड के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं तमाम स्कूल और कॉलेज को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि आप 23 जुलाई से 26 जुलाई के बीच प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराइए। तो आपका जो है 23 तारीख से 26 तारीख तक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम चलेगा और एग्जाम चलते रहेगा, और जैसे जैसे मार्क्स का जो डेटा शीट तैयार होगा वो जैक के वेबसाइट में अपलोड होती जाएगा। तो यहाँ एक बात सामने आता है कि 23 तारीख से 26 तारीख तक रिजल्ट किसी भी तरह से पब्लिश होने की संभावना नहीं है, क्योंकि विभिन्न अखबारों में आपका ये आया था कि आपका जुलाई के लास्ट वीक में, यानी आपका जुलाई के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी हो जाएगा। बीच में फिर खबर आया कि 20 तारीख को रिजल्ट जारी होगा, 22 तारीख को रिजल्ट जारी होगा, 25 तारीख को रिजल्ट जारी होगा। तो इस प्रकार के जो भी अखबार पढ़े हैं आप इनके कंफ्यूजन में ना रहे। एक बात स्पष्ट हो गया कि 23 से 26 तारीख के बीच आपका प्रैक्टिकल एग्जाम चलेगा। तो आपके पास समय बचता है 27, 28, 29, 30, 31, यानी 1, 2, 3, 4, 5 दिन, इस महीने में 5 दिन समय मिलता है। तो जैक बोर्ड के द्वारा बाकी सब जो भी काम पेंडिंग में था सब तैयार कर लिया गया है। बस आपका जो 10% बच्चों का जो प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हो पाया था, इनको लेके अभी जो है स्थगित है रिजल्ट अभी जो है। इसलिए आपका 23 तारीख से 26 तारीख के बीच प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और साथ ही साथ मार्क्स भी अपलोड हो जाएगा। इनके बाद
बात जो है बचता है 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपका रिजल्ट इनके बीच में कभी भी जारी हो सकता है, 27, 28, 29, 30 या 31। या एक दो दिन अगर डिले और होता है तो इसका मतलब ये है कि अगले महीना के 5 तारीख तक, यानी अगस्त के 5 तारीख तक रिजल्ट हर हाल में पब्लिश हो जाएगा, है ना। लेकिन जैक बोर्ड के द्वारा ये तो नहीं कहा गया है कि आपका 30 को होगा या 29 को होगा। एक अनुमान के तौर पे हम कह सकते हैं कि यदि 23 तारीख से, यदि आपका 23 तारीख से 26 तारीख के बीच प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, तो आपके बीच में 27, 28, 29, 30, 31, यानी आपका 4-5 दिन का जो भी समय मिलेगा, इनके बीच में यदि कंप्लीट कर लिया जाता है तो रिजल्ट हो सकता है 30 को दे दे, 31 को दे दे या 29 को दे दे, है ना। मैक्सिमम जाएगा तो 5 तारीख अगले महीना तक, लेकिन रिजल्ट अगले महीने के 5 तारीख तक हर हाल में पब्लिश हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरह से आप कंफ्यूजन ना रहे, है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे रिजल्ट को लेके जो आप लोग का कंफ्यूजन था, जो आप फोन करके पूछ रहे थे, वो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इसलिए रिजल्ट को लेकर जो आपका असमंजस में थे आप, वो आप कंफ्यूजन में ना रहे। आपका रिजल्ट बहुत जल्द बनेगा, बहुत जल्द आपका पब्लिश होगा। अब कहा गया है जैक बोर्ड के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कि आपका 25% कैपेसिटी, जो आपका 100%, जहां पर 100 बच्चे बैठने का जगह था वहां 25% बच्चों को बैठाए प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान। प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 4 पाली में लेने को बोला है। आप प्रत्येक पाली जो है 1 घंटे का होगा, है ना। प्रत्येक पाली 1 घंटे का होगा, है ना। प्रत्येक पाली जो है 1 घंटे का होगा, यानी आपका 4 पाली होगा तो 4 घंटा एग्जाम चलेगा। और प्रत्येक पाली के बीच 3-4 प्रत्येक पाली के बीच 30 मिनट्स का गैप होगा, 30 मिनट्स का गैप होगा, 30 मिनट्स का गैप होगा। यानी एक पाली एग्जाम हो गया, इनके बीच 30 मिनट्स का रेस्ट, फिर दूसरा पाली, फिर 30 मिनट्स का रेस्ट, फिर आपका थर्ड पाली, फिर आपका 30 मिनट्स का रेस्ट मिलेगा, फिर चौथा पाली होगा, है ना। तो अब आप ये डिसाइड कीजिए, आप अपने कॉलेज स्तर से पता लगाइए कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब होना है, कौन सा पेपर बाकी है, कब होना है, 23 से 26 के बीच, और किस टाइम में होना है, किस पाली में होना है। आप कॉलेज स्तर से पता लगाइए, सब्जेक्ट के हिसाब से आप पता लगाइए। जिन बच्चों का जियोलॉजी नहीं हुआ है, आप पता लगाइए कि जियोलॉजी का एग्जाम कब होना है, किस पाली में होना है, फिजिक्स कब होना है, किस पाली में होना है, केमिस्ट्री कब होना है, किस पाली में होना है, आप कॉलेज स्तर से पता लगाइए। इनके अलावा कह रहा है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए आपका जो भी बच्चे आएंगे उनका थर्मल स्कैनर से स्कैन किया जाए ताकि टेम्परेचर का पता लग सके। स्टाफ का भी जो है थर्मल स्कैनर से भी चेक करना है कॉलेज घुसते वक्त जो है, ताकि कोरोना के गाइडलाइंस को मेंटेन किया जा सके। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, रिजल्ट्स को लेकर किसी भी तरह से कन्फ्यूज नहीं रहना है। आपका 26 तारीख तक प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे खत्म होगा, आपका 4-5 दिन के बीच में, आपका 4-5 दिन का समय लिया जाएगा, या इनके बीच भी आपका रिजल्ट पब्लिश हो सकता है। तो रिजल्ट के लेकर इधर उधर की बातों में विश्वास ना रहे, पहले आपका प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होने दीजिए। देखिए 26 तारीख को जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होगा, आपका 27 तारीख को नया नोटिफिकेशन या अखबार के माध्यम से जो है जैक बोर्ड के द्वारा आपका खबर मिल जाएगा कि रिजल्ट किस दिन पब्लिश होना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट मिलेंगे किसी एजुकेशन से रिलेटेड सेशन में। आपका यदि आप जियोलॉजी रखे हैं ऑप्शनल पेपर के रूप में और 2022 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़िए, कंप्लीट सिलेबस को पढ़िए।